कच्चे धागों का ये रिश्ता। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल दी नाउ मैरिड। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर फीलिंग वेल, स्टेइंग सेफ एंड हेल्दी। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी लोग एंजॉय करो और सेलिब्रेट करो अपना रक्षाबंधन अपने अकॉर्डिंग। वैसे ये फेस्टिवल भाई एक भाई बहन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही मतलब उम्मीदों से एक पूरे एक साल का लोग इंतज़ार करते हैं इस फेस्टिवल के लिए। तो लेट्स गेट सेलिब्रेट, आप भी इंजॉय करो और हम भी करते। तो चलो बाकी मैं अपनी फैमिली का इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। ये मेरे पापा और बुआ हैं जो ऐसे मेरे मतलब पापा थोड़ा मीठा कम खाते इस टाइम पे मतलब मेडिसिन करके कोई प्रॉब्लम जो भी है थोड़ा सा इशू हो करके। बाकी ये राखी बांध रही थी बुआ पापा को और फिर पापा फिर भी टीवी ब्लॉग बन रहा है। आप राखी के बजाय टीवी देख रहे हैं तो देखो फिर उधर देख रहे थे और सब स्माइल कर रहे थे। फिर पापा ने ये बुआ को राखी बांध दी। फिर पापा थोड़ा थोड़ी इस साइड को ही देख ही जा रहे थे और फिर ये मेरे लिए बहुत सुबह सुबह हमारे साथ ऐसे राखी सेलिब्रेट हो जाती है इसलिए थोड़ा सा तैयार नहीं हो पाते बिकॉज थोड़ा किचन का काम भी हैंडल करना होता है तो मुश्किल हो जाती है। बट कोई बात नहीं, तैयार होना मैंने नहीं रखा, राखी है तो राखी बांधना ज़्यादा कंपल्सरी होता है। सो गाइज, यहाँ पे सबसे पहली राखी पापा को ही बंधी थी। फिर मम्मी कह रही सॉरी गाइज, बुआ इसमें से बस राखी सबको बांधते हैं। बुआ मम्मी भाई देखो ये लड्डू है हमारी तैयार हो क्या जी थी उनका फेवरेट कलर पिंक सब कुछ तैयार था। फिर बस भाई ब्लॉग शायद शूट कर रहा था वो लड्डू को ऐसे शाइड कर रहा था और यहाँ पे एक नहीं दो दो राखी बांधते हैं। मतलब ऐसे कंपल्सरी नहीं है बस ऐसे ही बांध देते हैं। चलो और लोगों घर ऐसा होता है थोड़ा सा मतलब जो ऐसे कजन्स टाइप के होते हैं दूर के लोग होते हैं वो लोग भी राखी बांध देते तो ज़्यादा हो जाती है। हमारे घर में थोड़ा सा इस चीज़ को वो करते हैं कि नहीं कि मतलब ऐसे बहुत क्लियर है कि नहीं बांधते बस एक दो लोगों को ही बांधते हैं। तो फिर ऐसे एक दो ही होते थे हमें लगे चलो एक ही इंसान बांध रहा है तो दो तीन राखियाँ बांध देते हैं। कोई बात नहीं भाई, एप्पल का फोन है एकदम मस्त आ रहा है बिना नहाए धोए। हिम्मत बंध जाती है जब तू हंसे। बिट्टू साइड हो जा, लड्डू आप साइड हो जाओ। खुशियों का तू सामान है, तू साथ है तो यूं लगे जीना बड़ा आसान है। गाइज ये मेरा छोटा भाई और मामा है। मामा वहाँ पे सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे थे और बुआ ने मिठाई खिला के ऐसे मतलब थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। ये खा ले फिर बांध दूँ, तब तक वो इशारा कर रहा था फटाफट बांध दो और यहाँ मतलब ब्रेकफास्ट में पकौड़े चाय ये वो बने थे तो वही बस मामा खाते क्योंकि उनको भी सुबह सुबह जल्दी निकलना था। वहाँ पे मम्मी ने कैचअप वगैरह सब कुछ ला के रख दिया। गाइज आप कमेंट करके बताना आप किस चीज़ से खाना पसंद करते हो। हमारे घर में वैसे दही से ज़्यादा खाते हैं, बाकी आप किससे खाना पसंद करते हो चलो कमेंट करके बताना। और फिर ये पापा उठ के गए थे बुआ के गिफ्ट बुआ के लिए मतलब गिफ्ट लेने के लिए जो देना है वो लेने के लिए। फिर तब तक बुआ ने भाई को राखी बांध दी थी। फिर यहाँ मम्मी सब कुछ ला के दे रहे थे और फिर मतलब ऐसे बस फिर भाई वहाँ से उठ गए थे राखी बंधा के क्योंकि वो मतलब जैसे चाचा चाची जो है वो लोग देते हैं तो इसलिए। फिर ये पापा लाए थे गिफ्ट बुआ के लिए कपड़े और पैसे जो भी पापा ने दिया तो मैंने यहाँ पे बोला था हाथ में देते हैं तो फिर आगे आप देखो पापा ने ऐसे नीचे रख दिया था तो मैंने बोला हाथ में देते तो वही हाथ में पकड़ा रहे थे और बुआ हंस रहे थे। फिर वो बुआ का गिफ्ट दे दिया वैसे दिखा तो हमने शाम को ही दिया। एंड गाइस फिर ये बारी आती है मम्मी और मामा की। मम्मी बहुत जल्दी जल्दी में थे बस किचन का काम कर रहे थे और फटाफट आके राखी वाखी बांध दी थी क्योंकि मतलब निकलने का टाइम हो गया था। किचन में मम्मी के बिना सब मतलब कुछ ऐसा हो ही नहीं कि मम्मी किचन में ना जाए और सब कंप्लीट हो जाए चाहे फेस्टिवल है कुछ भी है। और हमारे घर सब सेम टाइम पे ही मतलब शॉप पे जाना होता है टाइम भी तो शॉप ओपन करनी है तो निकलना टाइम से ही पड़ता है। और गाइस ये मम्मी ने मामा को चांदी की राखी बांधी थी और एक मामा नहीं आए थे तो उनके लिए दिया था तो वही निकाल के मम्मी ने दिया। ये दूसरे वाले मामा के लिए छोटे वाले मामा के लिए थी और बड़े वाले मामा को बांध के दे दिया था। मतलब फिर ये मम्मी ने टीका लगाया। मम्मी हर बार नहीं बांधते तो फिर मम्मी लोग आरती नहीं करते राखी में बट चलो जो भी है मतलब राखी का मेन मतलब होता है वो धागा बांधना दिल से बांधना और उनकी रक्षा के लिए कामना करना तो वो सब जो भी है वो दिल से ठीक है बट मम्मी लोग नहीं करते आरती तो इट्स ओके
ऐसे सिंपली बांध देते हैं, बट मैं सब कुछ करती हूँ। तो एंड गाइस ये फिर मम्मी ने राखी बांधी और एक सेम डब्बे में से सब मिठाई खिलाई जा रहे थे। किसी को ये नहीं आइडिया था कौन सा डब्बा है, लाए सब थे बट एक ही डब्बे से फिर भी सब लोग खिलाई जा रहे थे। चलो कोई बात नहीं, वो सब साइड करो। फिर मम्मी कितने कंफ्यूज हो रहे थे राखी के लिए। यहाँ पे मेरी चुटकी आ रही थी, वो भी मतलब परेशान करी जा रही थी। और फिर मम्मी देखो राखी कैसे स्पीड से निकाल रहे हैं। मम्मी को ऐसे जल्दी जल्दी हो रही थी कि काम करना या लेट हो रहे हैं, तो बस फटाफट बांध दिया था। ये देखो मम्मी से निकल भी नहीं रहा था गाइज। और फिर मामा राखी बंधाते बंधाते भी ब्रेकफास्ट करी जा रही थी। यहाँ पर शानवी को देखो, फिर भाई ने राखी निकाली और शानवी का ध्यान मिठाई पर था। और फिर मम्मी तब तक दूसरी चांदी वाली जो वैसे ब्रेसलेट टाइप का था ये बांधा था मामा को, राखी एज आ राखी बांधा था। तो फिर बस मामा साथ में खा भी रहे थे, नाश्ता भी हो रहा था, राखी भी बांध रहे थे मम्मी लोग। तो बहुत ही मम्मी कुछ बता रहे होंगे ऐसे बांध, क्या ही बोल रहे थे कि दिख नहीं रहा खुल नहीं रहा जो कुछ भी था। बाकी फिर ऐसे धीरे धीरे चल रहा था। बहुत टाइम बाद शायद मम्मी ने मामा को राखी बांधी होगी। एक मामा ये आते हैं, मम्मी मेरी जाते तो है नहीं राखी बांधने, मामा आते हैं या ये वाले या छोटे वाले मामा। तो बस फिर ऐसे ही मतलब चांदी की राखी बांधना, पर असली राखी तो आई थिंक धागे की होती है। बट और लोगों के घर मैंने ऐसे सुना है कि मतलब पता नहीं कौन सा धागा होता है, फेवरेट कलर का या क्या ही कुछ होता है, उसी कलर का धागा बांधना होता है। मुझे पक्की वाली स्टोरी नहीं पता इसके पीछे की क्या है, बट फिर भी जो कुछ भी है, फिर मम्मी ने बांध दिया और मामा शायद शानवी को देख रहे थे तभी ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा था उनका। और फिर एक और राखी बांध दी, कितनी राखी बांधनी है सबके बल्ले की बांध दी। और मामा यहाँ पे चाय के मज़े ले रहे थे। उसके बाद क्या था गाइस, बस ऐसी राखी मैंने आ रही सेलिब्रेट हो गई धीरे धीरे करके। मम्मी ने बस फाइनली बांध दिया, बहुत ही मतलब ऐसे जल्दी जल्दी में था इसलिए एक्सप्रेशन शायद देख भी नहीं रहे थे, बस अपने काम करने में लगे थे फटाफट। एंड गाइस ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है हर भाई बहन के लिए, फिर एज चाहे कोई भी हो, छोटी बड़ी ये वो। तो फिर ये वाली मम्मी ने राखी दे दी, दिखा रहे थे कि शायद दे दी थी मामा को कि छोटे वाले मामा को दे देना, फिर मामा ने रख ली। शानवी शानवी खा लो। वीडियो बनता है खाल खाल। अरे खवाल भाई ऑन जोन मुझे याद गया। मैचिंग मैचिंग पहने भाई और बिट्टी गम्मा ओहो भाभी बिट्टे और भैया मैचिंग मैचिंग पहने हैं। जला दे फटाफट, बैठा हूँ दिख नहीं रहा कैमरा मैन, लाइट जला भैया खोल दो। ओए शानवी शानवी शानवी
सानवी नमस्ते कैसे लगा था ओए बंद कर दे इसको डब्बा डब्बा बंद कर दो वो ना तो खराब कर देगी हाँ सानवी गुस्सा हो गया भाई एलो महक सामने आज को रोक पाओ ना वाह 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 होगा देखा सानवी खा लो उसमें ये खा लो बाय बाय कर दो बाय बाय सुगु बाय बाय खा बाय बाय कच्चे धागों का ये रिश्ता बन जाता है बचपन से मरते दम तक साथ निभाए बंध के रक्षा बंधन से सास दिल के रिश्ते बाल मुंह में डाल दिए आइए जरा चलो अरे हम आओ बाबा हम आओ कॉलोनी अबे चलो बेटू लगा दिए इनके के भाग रहा है हां ये तो अपना आती है हम साइड होना मां जा मुझे आगे आके चलो आपके कोई नहीं आएगा नहीं क्यों चलो चलो मामा लेट हो चलो बाय 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 चलो आगे बैठ जाओ हां चलो भाभी भाई सुगे सुगू ए बट्टू देखा आप नहीं देखेगा का रिश्ता ये अपना रब की रुबाई मैं रहूं ना मैं तेरे बिना
तू रहे ना तू मेरे बिना, मैं रहूँ ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मिलना ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूँ ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना, मैं रहूँ ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। खुशियों का तू सामान है, तू साथ है तो यूं लगे जीना बड़ा आसान है। बातों से बांधा हर तार अपने रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूँ ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना, मैं रहूँ ना मैं बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। चार दिशाओं जैसी तुम हो मेरे लिए जरूरी, तुम ना हो तो हर दिन आधा, हर एक शाम अधूरी। आधा मुझे रहना नहीं कुछ कम लगे वो घर मुझे, जिसमें कोई बहना नहीं। यादों से बांधा जज्बा ये अपने रिश्ते का, रिश्ता ये रब की रुबाई। मैं रहूँ ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना, मैं रहूँ ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। आधा हिस्सा।